उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में सदर कोतवाली क्षेत्र के हरिहरगंज इलाके में रिटायर्ड कर्नल से हेल्थ इंश्योरेंस के नाम पर 86 लाख की ठगी किए जाने के बाद हरकत में आई पुलिस ने एसटीएफ के साथ मिलकर नोएडा से फर्जी कॉल सेंटर में छापा मारकर फर्जी इंश्योरेंस के संचालक व महिलाओं सहित 55 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में बड़ा खुलासा करते हुए 9 शातिर लोगों को गिरफ्तार कर जिले में लाकर खुलासा किया है। सुनिए किस तरह एसपी फतेहपुर कविंद्र प्रताप सिंह ने इस मामले में जानकारी दी। बहुत ही रिमाइंडर में भी इन लैक्स वेरी लेट, क्योंकि उसी से पूरा नेटवर्क चलाते हैं। इतने लोगों की तनख्वाहें देना माने एक परपेचुअल इनकम है ना, पूरा एक सोर्स। वहाँ पे बहुत सारे फेक कॉल सेंटर चल रहे हैं, इसलिए लोगों को ये लिखिए, कोई भी फोन से अगर आपके इंश्योरेंस की सूचना या आपके अकाउंट की सूचना या आपके कार्ड की सूचना कोई भी मांगे तो देने की ज़रूरत नहीं है। बार बार ये कहा जाए, कोई बैंक का मैनेजर, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी फ़ोन नहीं करेगी। आईआरडी का मना है कि फ़ोन करके वो कोई भी प्रलोभन नहीं दे। सर, ये 9 के अलावा बाकी सब लड़कियाँ रही? हाँ, इस तरह जो 43 लोग पकड़े गए, अभी 12 और लोग पकड़े गए। मुझे अभी अपडेट नहीं आपने दिया। जी, अभी अपडेट आ रहा है, अभी लेके हमारी टीम जा रही है, तो वो लोग मेन लोग हैं उसमें, शायद जो बता रहे हैं वो पकड़े गए, 12 लोग और पकड़े गए। थोड़ा सा मेन स्ट्रीम से हट के, और जिनके अकाउंट में पैसा है फिर उनको झांसा दे करके कि उनके इंश्योरेंस का पैसा, उनका इंश्योरेंस वेरीफाई करना है, इतना पैसा दे दिए तो इतना पैसा आ जाएगा आपको, स्कीम आई है। बैंक्स की स्कीमों के बारे में और इंश्योरेंस के वेरीफिकेशन और उसके बारे में ये उनको बातचीत से उनके परिवार के बारे में जान लेते हैं। इनली जो हमारे लेफ्टिनेंट कर्नल राम सिंह साहब हैं, राम मान सिंह, इनके खाते से केवल 86,77,000, एक आदमी से 86,77,000 रुपये लिया है। इस तरह से और भी बहुत सारे लोगों का पैसा लिया है। इलाहाबाद में पता नहीं वो रिमांड बनाएंगे कि नहीं, उन्होंने लिखा भी है कि नहीं लिखा है। इस तरह से करीब 25 लोगों को ये ग्रुप है वहाँ पर एक बड़ा, अभी 12 लोग और गिरफ्तार हुए, उनको भेजना पड़ेगा, एक टीम भेज करके उनको लाना पड़ेगा, फिर उन लोगों को अरेस्ट हो गए, पकड़े गए हैं उन लोग। अभी वहीं के एसटीएफ के जो एडिशनल एसपी त्रिवेणी सिंह जी, तो इसको एसटीएफ लीड करने के, एसटीएफ तो लिखा पढ़ी करती नहीं, वो तो केवल हमारे केस को मदद करती है। कितने लोग पकड़े गए होंगे अब? 43 तो ये हुए अरेस्ट, और प्लस 12 और 43 और 12 कितने हो गए, करीब 55, जिसमें से 43 में से तो 9 लोगों के अलावा महिलाएं थी, लड़कियां थी, जो कॉल सेंटर के नौकरी के नाम पे 10,000 से 15,000 रुपए पे काम ये लोग देते हैं। और उनका काम यही कि जो उनको बताया जाता है फ़ोन से, वो डाटा जो उनको दिया जाता है उससे बात करके उन लोगों को अपने नेटवर्क में लेने का काम करती हैं। नोएडा में है, नोएडा में फेज थ्री थाना है, सेक्टर 64 में। 101 नंबर भी था हमारे पास, क्योंकि कल रात से ये बात चल रही, फिर मैंने एसएसपी नोएडा से बात किया, फिर वहाँ से लोकल पुलिस को कोऑर्डिनेट करके एसटीएफ का फ़ोन आया, रात में 1 बजे बज गया। मैं जो कुछ अकाउंट इन्होंने सीट किया, किसी में 2 लाख 3 लाख, कुल करीब 10-15 लाख तो, लेकिन अब डिटेल मैं नहीं बता सकता अभी, क्योंकि एसटीएफ के एडिशनल एसपी भी हैं, बात करेंगे उनसे। 12 हाँ, तो ये सब निकल जाता है पैसा। SPN 9 न्यूज के लिए फतेहपुर से मुमताज अहमद की रिपोर्ट।